हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नॉर्मली अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी मिलेंगे, तो वो टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये नॉर्मली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है। जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के ऊपर, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको रिडक्शन मेथड यूज़ करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज़ डाउनस्ट्रीम। सपोज दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज़ वाटर करेंट, एंड बोट भी यही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब बोट का डायरेक्शन एंड वाटर करंट का डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको? डाउनस्ट्रीम। ओके, अब सपोज बोट का जो स्पीड है इन स्टिल वाटर, अगर वाटर स्टिल होगा उस टाइम पे उसका स्पीड अगर लेंगे तो लेट इट बी एक्स किलोमीटर पर आर, और जो वाटर करंट है उसका स्पीड सपोज वाई किलोमीटर पर आर है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा दैट इज़ डाउनस्ट्रीम कंडीशन, तो अभी रिजल्टेंट जो स्पीड होगा उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड, और वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई। क्या होगा? एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है? दोनों का स्पीड क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ओके, अब सपोज बोट ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाटर करंट जो है वो ये डायरेक्शन में है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे हम? अपस्ट्रीम। सो अगेन इसका स्पीड एक्स है और y है वाटर करंट का, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे, और ये स्पीड को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड, एंड ये होगा x माइनस y किलोमीटर पर आर। यहाँ रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा? x माइनस y किलोमीटर पर आर। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपने नॉर्मल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे सपोज आप रनिंग कर रहे हो और वही सेम डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है? आपका स्पीड कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाता है। बट अगर आप का रनिंग का जो डायरेक्शन है और एयर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो वहाँ आपका स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन विद दिस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न बैक इन 1 आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ओके, सो पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट बी वाई किलोमीटर पर आर। ओके, सो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, अगर ये स्टिल वाटर में इसका स्पीड ये है और करेंट का स्पीड वाई है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगा, एंड अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम स्पीड will be x minus y kilometer per hour. Understood? Upstream speed क्या हो जाएगा? y kilometer, x minus y kilometer per hour. Understood? So, अब देखो यहाँ पर first condition जो दिया, a sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes. So, as per the first condition, so यहाँ पर downstream condition दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ये जब हम डिस्टेंस स्पीड और टाइम का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। ओके, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज नथिंग बट इक्वल्स टू टाइम। सो अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम कंडीशन में? दैट इज 8 किलोमीटर, एंड स्पीड क्या होगा? एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। सो ये डाउनस्ट्रीम कंडीशन में उसका स्पीड क्या है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू टाइम। टाइम कितना है? 40 मिनट्स, बट स्पीड हम किलोमीटर पर आर में ले रहे हैं, तो टाइम जो है हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 40 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना होगा। सो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 60। ओके, सो 0 0 विल गेट कैंसिल, 2 into 2, 2 into 3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी?
एट बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री. अंडरस्टूड? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एट इंटू थ्री दैट इज 24, टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई. ओके, ये टू को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर. सो 24 डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 12. सो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12. सो दिस इज इक्वेशन वन. सो फर्स्ट कंडीशन से हमको इक्वेशन वन आ गया. ओके, आर यू कन्फ्यूज्ड दैट 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको कौन से फील्ड में करियर बनाना चाहिए? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और अदर कोई फील्ड में? बहुत से टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो डिसीजन तो ले लेते हैं, बट आफ्टर वन और टू ईयर्स दे रियलाइज दैट नहीं, ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सुटेबल नहीं है. तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और आपका डिसीजन गलत ना हो, इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए और वो पर्टिकुलर फील्ड का रिक्वायरमेंट क्या है और वो पर्टिकुलर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपका जो पैशन है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर फील्ड में फिट बैठता है कि नहीं. देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल. तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट ऑन 28th and 29th of November 2020, जहां पर डिफरेंट फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि आप अपना करियर इजीली चूज कर सकें. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ. डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. होप ये सेशन अटेंड करने के बाद आपका जो करियर को लेके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर आउट हो जाएगा. सो होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू. अब सेकंड कंडीशन क्या है? सो असीला गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड रिटर्न बैक इन 1 आवर. सो अभी उसका डायरेक्शन ये था और वाटर करंट का भी डायरेक्शन ये था. Now when he comes back, returns back, तो क्या होगा? अब direction क्या हो जाएगा? Opposite हो जाएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? Upstream. क्या बोलेंगे उसको? Upstream. तो यहाँ पर जो speed होगा वो क्या हो जाएगा? X minus Y kilometer per hour. Okay. So as per the second condition, क्या होगा? Again distance upon speed equals to time. सो डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर, बिकॉज ही रिटर्न्स बैक. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, अगेन कम्स टू द सेम पॉइंट, तो डिस्टेंस विल रिमेन द सेम, दैट इज 8 किलोमीटर. स्पीड एक्स माइनस वाई, दैट इज अपस्ट्रीम स्पीड, इक्वल्स टू टाइम कितना लगा? 1 आवर. कितना लगा टाइम? 1 आवर. टाइम यहाँ पर सेम नहीं लगेगा क्योंकि स्पीड चेंज हो जाता है. अंडरस्टूड? पहले कितना मिल डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा था? 40 मिनट्स. अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड क्योंकि कम हो गया. सो दैट इज़ 1 आवर यहाँ दिया आपको. ओके, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू 1 विल बी नथिंग बट एक्स माइनस वाई, दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8. सो दिस इज इक्वेशन 2. अंडरस्टूड? सो नाउ वी गॉट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड. सो सबसे कन्वीनियंट मेथड यहाँ पर जो है दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? एडिंग इक्वेशन 1 and 2. सो व्हेन वी ऐड 1 and 2, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8. सो व्हेन यू ऐड दिस टू इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इट रिमेन एज इट इज. तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसिल, एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x इक्वल्स टू 20. सो अब यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू 20 by 2, दैट इज 10. सो एक्स का वैल्यू हमको आ गया 10. एंड नाउ विल पुट एक्स इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, आइदर 1 में पुट करो या 2 में, किसी में भी आप
सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो वन में अगर सब्सटीट्यूट, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 12, सो एक्स इज 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, सो वाई इज 12 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज 2. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज एक्स? एक्स हमने क्या कंसिडर किया था? द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर. तो एक्स कितना आया? 10. सो क्या होगा? द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर विल बी इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आर. वो आप स्टेटमेंट लिख लेना. एंड द स्पीड ऑफ द करेंट, दैट इज वाई, एंड वाई हमको कितना आया? 2 आया. कितना आया? 2. सो दैट इज 2 किलोमीटर पर आर. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो दिस इज अ बेसिक लेवल क्वेश्चन. ये नॉर्मली 2 to 3 मार्क्स का आता है. सो नेक्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो नॉर्मली 4 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, जहाँ पर हमको रिडक्शन मेथड यूज़ करना होता है, दैट वी हैव टू रिड्यूस दैट इक्वेशन इन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म में. सो विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.